चलिए आइए मेरे साथ विजिट करते हैं दमाम सिख मार्केट का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। यहाँ पर आज ईद के तूसरे दिन कितना रश है, क्या बादल हर तरफ। यहाँ पे देखिए आज ईद के दूसरे दिन भी बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पर मार्केट्स के अंदर। कल इतनी मार्केट ओपन नहीं थी, लेकिन 4 बजे मार्केट्स ओपन हुई। कल 4 बजे मार्केट ओपन हुई ईद के दिन, जो कि आज फुल मुकम्मल मार्केट्स ओपन है यहाँ पर। यहाँ पर कितना रश है आज यहाँ पर, क्या बात है। रोड के उस तरफ देखे तब भी माशाल्लाह काफी रश है यहाँ पर। उस तरफ देखा जाए तो सामने भी काफी रश है आज। हर तरफ गहमा गहमी है। हाँ, कोई दोस्त एक दूसरे को मिलने भी आते हैं इसी तरीके। यहाँ पर ये सेंटर दमाम है, इसलिए काफ़ी रश होता है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा रश होता है यहाँ पर। हम चलेंगे रोड के उस पार और आपके साथ शेयर करेंगे। सामने एक मार्केट भी ओपन है, क्या बात है, ज़बरदस्त। काफ़ी स्टिकर झंडियाँ लगी हुई हैं वहाँ पर भी। चलें चलते हैं हम रोड के उस पार। माशाल्लाह यहाँ पर ईद के दूसरे दिन भी कितना रश देख सकती हैं। माशाल्लाह क्या बात है जी, जहाँ तक दूर दूर तक नज़र भी जाएगी वहाँ वहाँ तक आपको रश ही नज़र आएगा। हत्ता कि ईद वाले दिन दूसरे, पहले ईद वाले दिन इतना रश नहीं था, हत्ता कि शाम को बहुत रश था, लेकिन जो अभी ईद के दूसरे दिन देखा जाए तो आज काफ़ी रश है यहाँ पर। एक दूसरे को दोस्त मिलने के लिए आते हैं जो कि कंपनी से होते हैं, यहाँ से आ रहे हैं इस वक्त मार्केट की तरफ, जो कि हर कोई दुकान आज माशाल्लाह ओपन है। दूर दूर तक देखते हैं इतना रश है, माशाल्लाह रौनकें लगी हुई यहाँ पर। जहाँ तक भी देखा जाए ना वहाँ ही रश है। यह है दमाम सिको मार्केट। मैं इस वक्त मस्जिद के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ। बस वैसे कतीफ जा रही है वो सामने वाली, 4 से 5 रियाल में कतीफ जाती है। वैसे कभी 10 से 20 रियाल देकर जाया करते थे, अब माशाल्लाह इस बसों की वजह से काफ़ी किराया हम बचत होती है। कभी हमने अगर कभी जाना भी हो वहाँ पर तो फिर और ये है आली बैंक। खान साहब हमारे खान खा रहे हैं जलेबियाँ। माशाल्लाह ज़बरदस्त, सुभान तरी कुदरत। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ पर आज कितना रश है। मज़ीद सामने हम आगे चलेंगे और आपके साथ शेयर करते हैं। चलो मेरे साथ आप, चलिए आइए मेरे साथ विज़िट करते हैं दमाम सिख मार्केट का। और आए यानी पीछे मेरे धूप है, अच्छा कुछ व्यू नज़र नहीं आए यहाँ पर, तो पीछे अभी छाँव है ना, इस वजह से थोड़ा मौसम अच्छा नज़र आएगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद व्यू पीछे सूरज है मेरे बैक साइड के ऊपर, इसलिए मुझे कोई अच्छा व्यू नज़र नहीं आ रहा। वैसे ईद के दूसरे दिन की बात की जाए तो काफ़ी रश है, काफ़ी रश है दूसरे दिनों की नस्बत। इससे पहले भी ऐसे ही था, लेकिन आपको जो देखा जाए ना ईद के दूसरे दिन भी इतना ही रश है जितना कि पहले अमूमन दूसरे दिन के।
हाँ यार, बाकी हर तरफ आज रश ही रश है। मेरे बैक साइड पर आप देख सकते हैं, थोड़ा व्यू इतना अच्छा नहीं है क्योंकि इस तरफ बैक साइड में सूरज है। मैं चाहता तो था कि अपने बैक कैमरा चलाऊं, लेकिन ऐसा नहीं, फ्रंट कैमरा ही ठीक है। शायद कोई बुरा ना बनाया आपने, इसलिए मैंने बैक कैमरे का इस्तेमाल नहीं किया। चाहता हूँ कि फ्रंट कैमरे से वीडियो बनाता था। इस मार्केट के अंदर शोर भी बहुत है, मार्केट के अंदर रश भी है इस वजह से, और यहाँ पर बहुत सारे दोस्त आए हुए मौजूद हैं, देख सकते हैं कितना रश है। सबसे ज़्यादा वैसे रश है, पीछे गुजरा नहीं जा रहा, पीछे गुजरा नहीं जा रहा, क्योंकि इतना ज़्यादा रश था। मैंने अपने एक दोस्त के पास जाना है, वहाँ से खजूरें वगैरह खानी है, जो मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर जाऊँ, क्योंकि रमज़ान में तो खजूरें चलो मस्जिद में खाते थे, लेकिन जो अभी जो ताज़ा खजूरें हैं वो हम खाने लगे, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज व्लॉग शुरू करता हूँ और आपके साथ शेयर करता हूँ। क्योंकि अभी मैं बड़ी मस्जिद के पास जा रहा हूँ, वहाँ पर बड़ी मस्जिद के पास जाऊँगा और वहाँ पर हम जाएंगे खजूरें खाएंगे। एक सऊदी दोस्त है, उसके पास जाएंगे, वहाँ पर खजूरें खाएंगे। बाकी यहाँ पर रश को बहुत ज़्यादा देखने, बहुत ही ज़्यादा। वैसे आज जुमेरात का दिन, कल जुमा, कल जुमा, हला भैया मन यमन अबू यमन क्या बात है। अभी यहाँ पर इतना रश नहीं देखने को मिलता, यहाँ पर जो जगह है पार्क पीछे बहुत ज़्यादा रश था, दो तीन तक आते पीछे, यानी दो चौक तीन चौक पीछे काफ़ी रश था, लेकिन यहाँ पर इतना रश नहीं। आगे फिर जाऊँगा तो सामने फिर मुझे बहुत सारा रश देखने को मिलेगा। अभी इशारा ग्रीन है, हमारा ख्याल है हम चलते हैं जल्दी, इशारा ग्रीन रेड होने से पहले पहले यहाँ से निकलते हैं, रोड क्रॉस कर लेंगे। इशारा ग्रीन से मिल गया हमें, वैसे रोडों की बात की जाए तो रोडों के ऊपर इतना रश नहीं है वैसे आज। रोडों को पता क्यों, अभी लोग कोशिश कर रहे हैं जाएंगे कुरनेश का, कुरनेश पर समंदर पर लोग जा रहे हैं, शहर के अंदर इतना रश नहीं है। शहर के अंदर वही ज़्यादा लोग घूम रहे हैं जो मेरे जैसे, जिनके पास मतलब गाड़ी नहीं है, वही लोग मतलब घूम रहे हैं मेरे जैसे, जिनके पास अभी गाड़ी नहीं है। तो बाकी इंग्लिश हो, ज़्यादातर लोग कुरनेश पर जा रहे हैं, ईद का दिन और ईद का अगला दिन या एक या दो दिन जितने दिन मतलब छुट्टी होगी सब लोग कुरनेश पर जाते हैं। यूनिवर्सिटी रूम रूम में मेरी तरफ बैठे हैं, मैं सारा दिन रूम में बैठा रहा, आज मेरा दिन कैसा गुजरा वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। रात सारी तकरीबन हमने जाग जाग गुजारी, बहुत कोशिश की सोने की लेकिन नींद नहीं आ रही, नहीं नींद आ रही। फिर उसके बाद तकरीबन 4 से 5 बजे फिर सोए, तो सारा दिन फिर गुजार दिया सो सो के, लेकिन 4 से 5 घंटे मेरे ज़्यादा से ज़्यादा नींद 5 घंटे का था, इससे ज़्यादा नहीं। और उसके बाद फिर दोपहर का खाना खाया, 2 बजे तकरीबन मैंने खाना खाया अपना लंच। उसके बाद फारग होने के बाद हम मतलब माशाल्लाह यहाँ पर भी काफ़ी रश है, हमारे पाकिस्तानी बहुत सारे हमें देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद तकरीबन 4:45 बजे मैंने सोचा कि चले चलते हैं बाहर मार्केट की तरफ चलते हैं और वहाँ पर चल के वीडियो बनाते हैं और कुछ आपके साथ भी शेयर करते हैं यहाँ पर क्या माहौल है आज सीखों में, जो आज ईद का तीसरा दिन कैसा माहौल है यहाँ पर। देखिए पीछे फुहारे के ऊपर भी काफ़ी लोग हमारे भाई बैठे हुए हैं, तो कुछ आगे हम चलने की कोशिश करेंगे, आपको दिखाएंगे वहाँ पर कैसा व्यू है।
जो कि मैं डेली रमज़ान में वहाँ पर जाया करता था मस्जिद के सामने किंग मलफाहत मस्जिद के पास। तो आज वैसे बिना रमज़ान के हम वहाँ पर जा रहे हैं, अपने दोस्त को मिलना था, क्योंकि खजूरें वगैरह खाने दिया था, क्योंकि रमज़ान में खजूरें तो दूसरी खाते थे नरम नरम, अभी जो है ना जिस तरह खुशबू होती है ना दरख्तों से उतारी उस तरह की खजूरें खाएंगे। वैसे आज अच्छा लग रहा है, एक से कल जुमा है, कल छुट्टी हो गई, उसके बाद हफ्ते वाले दिन काम पर जाना पड़ेगा। वैसे कल फ़ोन आया था काम पर जाने के लिए, तो फिर बाद में बोला नहीं, एक दिन गुजारने के बाद उसके अगले दिन यानी बाद में हफ्ते को जाना पड़ेगा। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे हफ्ते को जाएंगे काम पर और फिर देखें गर्मी कितनी है बाहर, लोग कैसी आज पर चल रही है। वैसे आज भी देखा जाए तो आज भी बसें उमरे वाली जा रही हैं, दिखाऊंगा आपको मेरे पीछे तो यहाँ पर से बस उमरे के लिए जा रही है, बसें उमरे के लिए अभी जा रही है। माशाल्लाह खुशी की बात है जी।